आज का दिन बड़ा बिजी रहा, सुबह अपना काम किया, मीटिंग थी और नमाज आज की मिस हो गई, लेकिन आज मैं अपना काम बताने के लिए नहीं, आज जो व्लॉग है वो डेडिकेटेड है ओनली फॉर द कार बैंड, बिकॉज आज है कवाली नाइट और कवाली नाइट की प्रिपरेशन कुछ ऐसे चालू है। आज क्या 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 तैयारी की उमंग? आज की फुल तैयारी। फुल तैयारी, फुल तैयारी। ये क्या क्यूआर कोड क्या रखे हुए? अगर आपको जैसे हमारे साथ गाना हो या उस गाने के बारे में देखना हो तो स्कैन करिए, गाने की लिरिक्स देखिए, हमारे साथ गाइए। मैं आज इनके साथ जुड़ चुका हूँ, मेरे को स्पेशल प्रिविलेज मिला है कि मैं इनका बिहाइंड द सीन्स, ये जो फुल तैयारी है आज मैं कवर कर रहा हूँ। जवान एक फुल मूड में आज समा जो जलाई है हम ना रहे तो गम तो नहीं है। जिनने आज इन्हें फुल इंतजाम रखा, इन्हें मोमबत्तियां भी जला के रखी हुई है, पूरा ये QR भी लगा के रखा, जिसको लिरिक्स नहीं आते वो QR स्कैन करें, उसमें लिरिक्स में सब चेक करें, ये सब इन्हें स्कीमें लगाई हुई हैं ताकि लोग अच्छे से इनके मजा उठा सकें। और अभी इनकी तैयारी चल रही है, बाकी सब ठीक है। चश्मा की तरह तुम्हारा, मेरा चश्मा भाई साहब किधर है? अच्छा इधर। चश्मे के बगैर तुम गाना कैसे गा सकते हो? तुम्हारे क्या ओपिनियन है सलमान? सोचे ऐसी की हो गया है तुम्हारी रब सो गया नहीं, वो इससे करीब नहीं जाएगा, टच होगा। सही है, तेरा सही है। क्या सही है? नौसरा साहब की कवाली होनी चाहिए ना यार। ऐसे क्या कवाली का क्या होता है? अच्छा आप लोग ये गाना गा रहे हो, सोचता हूँ मैं कितना मासूम हूँ, सोचता हूँ मतलब आपने प्लान किया वैसे है? ओरिजिनल प्लान में नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई तो करो। ऐसा है आप ब्लॉग में, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जो मेन परफॉर्मेंस है वो 45 मिनट में खत्म है, फिर बाकी के रहे 1.5 घंटे मूड पे है, मूड पे जो भी मूड चलता है तो वही करेंगे, डांस भी है आज। लेकिन एक यार मुझे लगता है तू सोचता हूँ, उमराव जान का गाना सलाम में डांस है आज। देख डांस तो तूने नहीं करना, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जब जिसमें तू है उसमें इंटरेस्टेड हूँ। हाँ हमारा मेन 45 मिनट का है। मेरी सजेशन इनको यह है कि एक बार ये सोचता हूँ गाएं, क्योंकि मैंने इनको सुना गाते हुए, आई थिंक ये बड़ा अच्छा कर सकते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं, लेट्स सी। लेट्स सी, डायरेक्टर साहब से मिलो आप। डायरेक्टर साहब बता रहे हैं, क्या सजेशन है? डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जो एडिशन ये कर रहे हैं अपने नाइट में ना, सोचता हूँ जो कवाली है, मैं कह रहा हूँ उसके 2-3 शेर याद कर ले, वो बीच में कर दे तो एक प्रॉपर। हम भी गाए, हम भी जोर से उसको गाए, हम भी लाइव भी दिखाइए, लाइव जो हो रही है आज लाइव। चलो मेरी शक्ल दिखाओ जरा कैमरे में, मैं कैसा दिख, ओह माय गॉड, हमारे डायरेक्टर साहब, डायरेक्टर साहब कोई एक दो बोल हो जाए गाने के। दूसरा साहब मैं तो पता है कुछ आता नहीं, ऐसे अभी बैठा हूँ। जो मेरा मेन कंसर्न है वो ये है कि पता है ऑडियंस डेड आती है, तो सलमान और मेरा ये काम है कि हम बीच बीच में लाउड गाने गाएंगे, हाँ वो करेंगे, लेकिन
हमारा मेन मकसद ये है कि ऑडियंस को बीच बीच में जगाते रहना, बीच बीच में इनके साथ गाने गाते रहे, ताकि यू नो चिल मजा माहौल बना रहे। कैसा फील हो रहा आज तुम्हें परफॉर्मेंस में? बहुत बढ़िया। एक्साइटेड हो? दिल गदगद होने वाला है सब लोगों का। पक्का आज माहौल बना दोगे? अरे देखिए देखिए फिर दिखा देना। नाओ भाई आप रेडी हो आज के लिए? यस, ऑल सेट फॉर टुडे। ऑल सेट फॉर टुडे। ओ पूरे सेट हो? बात तो तुम सही कह रहे हो सलमान। तो अगर अंदर हूँ तो हमारे जो शायकीन है उनको जरा एक्सेस करने में आसानी होगी। सही बात। और बात मैं आपको बता दूँ, ये खाने की चल रही है कि खाने का इंतजाम कैसे करें। वो बोल रहे हैं कि खाना इस हॉल में अलाउड नहीं है, तो बोल रहे हैं हम बाहर सिस्टम रख रहे हैं। तो हमारे सलमान भाई कह रहे हैं कि बाहर अगर रखोगे जो आना भी नहीं चाह रहे सीमेंट पे, वो भी खाना खा के बाहर चले जाएंगे। इट्स अ मेन कंसर्न राइट नाउ। खाना इज़ अ वेरी बिग डील, इट्स अ डील ब्रेकर एक्चुअली। मैं माइक पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने बचपन के सपने पूरे कर रहा हूँ सारे। आप टेंशन फ्री रहें, खाने का इंतजाम हो जाएगा। आपने टेंशन नहीं, आपने सिर्फ गाने की टेंशन लेनी है। मेरे को कॉफी पीनी है। वो एक्स्ट्रा माइक ऑडियंस में जाएंगे आप। कोई कॉफी पिला दो मेरे को। हम माइक के बगैर भी गाएंगे। कोई कॉफी पिला दो। इतने छोटे से हॉल में तो हमें माइक देगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। निकल गया, चांद भी निकल गया। अब हम खाने का इंतजाम करने आए हैं। खाना हमारा इस गाड़ी में आया है। अब 40 से 50 बंदों का खाना, लेकिन बंदे मेरे ख्याल से 30-40 ही हैं। 30 ही होंगे जितने भी हो। हमें क्या खाने का मतलब है? हम तो सबसे पहले। यस, मैंने दो गैलने पकड़ लिए, मैं सेफ जोन में हूँ। जितने ये डब्बे उठाने प्रॉब्लम उनके, डब्बा दिखाओ भाई। लस्सी है, रोगन जोश कश्मीरी डिश। दूसरी स्पेशली आपके लिए है। वाओ, दूसरी नान, साथ में गार्लिक नान और साग पनीर। साग पनीर, यार ये तो आज फुल मूड में है। यार उनकी वो बहुत कैरेमिनेट बोल लेता है उसकी। अरे भाई ये कोई कौन कर सकता है गरम को हैंडल? ये वो हु इज द हॉट हैंडलर हियर। अच्छा मुझे बताओ आपने केटरिंग के लिए बुलाया था ना? बात तो ये है ना, अब उस आप तेरी बात है ना उससे। अब केटरिंग वाले का काम है ये चीज, वो इसमें सेट करता है वो डब्बे में, ठीक है? जिस टाइम से कहेंगे आग जली रहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि खाना तो आ गया, लेकिन इन्हें ना कुछ चम्मच दिए डालने के लिए ना कुछ, और हमने केटरिंग के लिए बुलाया था। खाना पैक करवा के तो हम भी उठा के ला सकते हैं, लेकिन इन्हें सारा सामान दे दिया है, लेकिन ना खाने डालने के लिए कुछ सिस्टम दिया ना कुछ। कैसे करेंगे? 5:30 हो चुके हैं, आधा घंटा बचा है इवेंट को। अभी थोड़ा ठंडा है माहौल। खाने शाने का इंतजाम ऑलरेडी हो गया, लेकिन डालने बांटने का भी कुछ भी नहीं हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, इसे प्रैक्टिस कर रहे हैं किसी को बुलाने की, और पता नहीं ये क्या करेंगे। ये लोगों ने मेरे व्लॉग उठाए और मेरे व्लॉग से ये इधर अपनी फीचर वीडियो बनाई है, देख रहे हो आप भाई मशहूर हो गया। सलमान हमें तो ड्यूटी दे दी है चेकिंग की। अच्छा है ना, थोड़ी थोड़ा बहुत बिजी रहेंगे। जो भी आएगा हम उससे मुलाकात करेंगे, पहले चेक इन करेंगे, देखेंगे भाई वैलिड आदमी है नहीं, और फिर अंदर भेजेंगे। तेरा क्या पॉइंट था अभी? कुछ होना चाहिए ना, कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए ऑडियंस की तरफ से भी। खाया तो कुछ भी नहीं किसी ने, वो खाते खाते ही आ रहा था दीवाने। केला ओट्स केला, हम भी डाइट पे है भाई। पॉइंट क्या रहा था? आप ही डाइट करते हो। मैंने मोटिवेट किया तुझे, ठीक है? हाँ, मेरे को भाई ने मोटिवेट किया है, और मैं गाड़ी आते ही जिम चला जाऊंगा। मेरी गाड़ी गई और मैं जिम जा रहा हूँ, तेरे आते जाएगा। सलमान तू पॉइंट जो कह रहा था ठीक कह रहा था, लेकिन तेरी किसी ने सुनने नहीं दी। हाँ यार, चलो अब 6:00 सेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला है। अभी लोग इतने ज्यादा आए नहीं है, लेकिन मैंने इनको बोला थोड़ा अपना जैम सेशन वगैरह स्टार्ट करो, सिंक बिठा लो। तो इवेंट अच्छे स्टार्ट हो गया, कम से कम 30-40 लोग आ गए, और दीवानिक के पेरेंट्स भी आ गए। मैं आपको मिला देता हूँ एक बार। ये दीवानिक की मदर, ये दीवाने के फादर, वो लगते नहीं है फादर, वो मेरे से भी ज्यादा जवान लगते हैं, बट बिलीव मी ये फादर है दीवाने के।
अब इन्होंने मेरा व्लॉग चलाया हुआ आगे, मतलब जो इन्हें फीचर वीडियो बनाई है अपने, और मुझे खाना भी नहीं खाना मुझे शर्म आ रही है, मैं क्या काम करता हूँ। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, बनाए तो है ना। मेरा व्लॉग बड़ी स्क्रीन में चला, इतना जलील हुआ हूँ मैं, लेकिन आप व्लॉग बनाते हैं तो फिर झेलना भी पड़ेगा। दीवानी कहाँ जाए, वो वेट कर रहे हैं सारे। कार फैन थोड़ा बाथरूम कर रही है। नाउ भाई ऑल सेट फॉर द शो, ऑल सेट, प्रेशर रिलीज हो गया, हो गया ऑल सेट फॉर द शो, ऑल सेट, नाउ लेट्स रॉक डू कव्वाली एंड रॉक, लेट्स गो, गुड लक, बजाते हैं बजाते हैं अब जो कभी ना बजाया। बस हम दौड़ दौड़ स्टार्ट हो गया। क्या चल रहा दीवानी साहब, इज किलिंग इट। मुहब्बत न करते तुम्हें दिल लगाने को किसने कहा था, निकल आए होंगे सर न कांधे सहेली के उठाया होगा। तो इवेंट खत्म हो गया, अभी हम क्लियर वगैरह करके पहुंचे सारा सामान। जितना आसान लगता है इवेंट करवाना उतना होता नहीं है, 10 चीजें पीछे चल रही होती हैं, और अभी 12 बजे हैं ऑलमोस्ट, अभी जाके फ्री हुए हैं। आप हालत देख सकते हैं ना, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे नशे में, लेकिन नशे में लेकिन आपकी क्या आज थकावट तो बहुत हो गई होगी ना। थकावट है ना, फुल 3-4 घंटे कंटिन्यू वहाँ, उसके बाद सारा समेटना वगैरह, थक गए भाई साहब। तू तो बोलना ही नहीं चुप हुआ ना पूरे इसमें इवेंट में, तू ना थके अब भी तो फिर बड़ी बात है। वो बेचारा तो वो बोला नहीं है, लेकिन उसने ड्रम बजाने में तो कमी नहीं छोड़ी। इवेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन सक्सेसफुल बनाने के पीछे लोगों का हाथ होता, लोगों की मेहनत होती है। इनने मतलब खाना अरेंज करना, हर चीज़ अरेंज करना, माइक सेटअप, पीछे बैकग्राउंड सेटअप, पूरा अपना सिस्टम सेटअप, और ऑडियंस को पूरा मतलब अटेंशन संभाल के रखना, इट्स एक्चुअली अ वेरी हार्ड टास्क। और अच्छा रहा, इट वॉज़ अ वेरी गुड इवेंट। मैंने आपसे थोड़ी ग्लिम्प्स शेयर की हैं, लेकिन आप पूरी जो पूरा इवेंट है वो दीवानिक के फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ उसके फेसबुक का, वहाँ आपको पूरा 3 घंटे का इवेंट दिख सकता है, इफ़ एनीबॉडी इज़ इंटरेस्टेड। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।